हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, खुश होगे और इस वक्त आप हमारी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब सिद्दीकी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दें। देखिए, सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम सऊदी के अंदर रेगिस्तान टाइप का एक बड़ा मैदान है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं। ये देखिए, पूरा मैदान है रेगिस्तान टाइप का और यहाँ पे हमको रास्ते में ये चीज़ एक दिख गई जो काफ़ी सिटी वगैरह में तो नहीं दिखती है, लेकिन जहाँ पर आउटर होता है, मैदान होता है, वहाँ ये मुझे दिख गई। इसको हम लोग अपनी ज़बान में मदार बोलते हैं। ये एक रुई यानी कॉटन का पेड़ होता है। देखिए, पूरे फूल वगैरह खिले हुए हैं और इसके ऊपर भौरे वगैरह भी हैं, कीड़े हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन। और ये गांव वगैरह में बहुत दिखता था, लेकिन यहाँ सिटी में तो नहीं दिखता है, लेकिन आज मुझे ये दिख गया। और सऊदी में अक्सर ये मैदान की जगह पर दिखता है। तो ये मदार है, इससे जो कॉटन है वो पैदा होता है। ये देखिए, पूरा भौरे इसके अंदर मज़े ले रहे हैं और ग्रीन है पूरा। जहाँ तक नज़र आप दौड़ाइए वहाँ तक आपको सिर्फ मैदान ही मैदान दिखेगा, एकदम चटियल मैदान, रेगिस्तान। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये दिखाते हैं आपको। हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर पर ये पूरा मैदान है। शाम का टाइम है, करीब 5:30 बजा हुआ है। और ये देखिए, पूरा रेत ही रेत। एक साइड में बड़ा सा हाईवे रोड है, ये रोड है, एकदम हाईवे रोड है, मेन रोड एयरपोर्ट की साइड में जाता है। और दूसरी साइड में ये पूरा मैदान है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस तरह है, मतलब रिजॉर्ट वगैरह है इस तरह का। ये आउटर इलाका है। ये देखिए, सूरज डूबने की कगार पे है और शाम का वक्त है। ये पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरी तरफ एक रोड है, हाईवे रोड, एकदम फुल चलती हुई रोड, जो मेन सिटी की एयरपोर्ट जाने वाली रोड है। और दूसरी तरफ पूरा ये मैदान है। और मैदान में भी देखिए, अभी बहुत सारी बात होने वाली है, बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि इस रेगिस्तान में भी कुदरत कैसे रोज़ी रोटी देती है और लोग अपना कमाने का तरीका सेट करते हैं। ये है दब्बाब, इसको यहाँ पे बोला जाता है अरबी में। ये मोटर बाइक है, फोर व्हीलर, और हार्ड सर्विस के लिए होती है, रेत वगैरह में चलती है। खूब लोग इंजॉय करते हैं इसको, शौकियन चलाते हैं। अरब लोग खूब महंगी महंगी गाड़ी से आते हैं यहाँ पे और अपने बच्चों को, फैमिली को लेके आते हैं, यहाँ पे इंजॉय करते हैं, मतलब गाड़ी पे भी बैठेंगे। ये देखिए, पूरी आपको बाइक मैं दिखा दूँ, जिसको यहाँ दब्बाब बोला जाता है। और शौक इस पर शौक के उससे बैठते हैं, छोटी बड़ी मीडियम सब साइज़ की है। ये देखिए, ये बड़ी वाली है, बच्चे जो हैं वो छोटी वाली पे बैठ जाते हैं, बड़े लोग हैं थोड़ी सी बड़े पे बैठते हैं। और भी बड़ी होती है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग डिज़ाइन की ये दबाब होती है। इसके कुछ चार्ज होते हैं और बैठ के इस पर आधा घंटा एक घंटे के लिए लोग तफरी करते हैं, चलाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। और ये देखिए, पूरा व्यू आपको दिखा दूँ, लाइन से है ये लोग, इनका ये जॉब है। देखिए, ऐसे चला कर ले जाते हैं, इनका ये जॉब है। हालांकि बहुत ख़तरनाक धूप होती है, ये लोग 4 बजे शाम से स्टार्ट करते हैं और तकरीबन भोर तक चलाते हैं, 4 बजे या 3 बजे मिडनाइट। ये देखिए, बच्चे भी हैं इनके साथ में। ये देखिए, गाड़ी में आए हुए हैं और ये देखिए, ये अब जा रहे हैं, इनका हो गया पूरा। और ये शाम एकदम होने वाली, ये देखिए बच्चा चला रहा है, खूब तफरी कर रहा है, छोटा बच्चा है। और दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे घोड़े भी हैं, हॉर्स राइडिंग भी होती है, उसके लिए भी हम देखते हैं। ये देखिए, हम जा रहे हैं ये घोड़े के पास और इनसे बात करते हैं क्या है, कैसे है। इनका भी कुछ चार्ज है, 20 रियाल, 25 रियाल, ऐसे होता है। तो इनसे बात की मैंने और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस घोड़े पर बैठूँ, हालाँकि मैं कभी पहले बैठा नहीं हूँ, फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ बैठने के लिए। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और इनसे बात हो गई है और अब मैं बैठने वाला हूँ। ये सूडान तरफ के लोग हैं और बड़ी मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, 4 बजे से लेके काफ़ी धूप रहती, पूरे मैदान में खड़े होकर ये रोज़ी रोटी की तलाश के लिए। और ये इनका बिजनेस है, इनका काम है ये। मैं अभी हॉर्स पे बैठ गया हूँ, घोड़े पे, और ये फर्स्ट टाइम मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये, वो हम मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। इसका भी पूरा कोड होता है, जैसे क्या करना है तो भागेगा, क्या करना है तो रुकेगा, पूरा जैसे हम लोग गाड़ी वगैरह की ड्राइविंग सीखते हैं, करते हैं, इस तरह से भी सीखना पड़ता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन वो जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वीडियो भी वही बेचारा बना रहा है, उसको मैंने दिया है कि थोड़ा सा तुम वीडियो बना दो मेरी, और ये वीडियो बना रहा है।
और भी बहुत कुछ आगे दिखाने वाला हूँ। ऊँट भी है, ऊँट की भी राइडिंग होगी, उसमें भी दिखाएंगे। और ये अब हम घोड़े की राइडिंग पिट के लिए हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे शाम हो रही है, सूरज डूबने की कगार पे है, अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। जब हम आए थे तो काफ़ी धूप थी। और ये देखिए घोड़े पे जा रहे हैं, मज़ा आ रही है, बड़ा एक अजीब लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है इसकी वजह से। ये पूरा उछलता है तो इसका थोड़ा सा अलग एक फील आता है। ये देखिए अब ये हो गया, अब हम आए इधर पे, ये ऊँट दिख रहा है, ये देखिए पूरा सजा धजा ऊँट है, जैसे हम हमारे तरफ राजस्थान वगैरह में होता है। तो राइडिंग के लिए ये लोग, इनका काम काज है, तो इस तरह से पूरा अपना सेट करके रखे हुए हैं। इनसे भी हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे क्या करना है। और बात हो गई है, अब हम ऊँट पे बैठने के लिए कोशिश करेंगे। और ये भी हमारी राइडिंग फर्स्ट टाइम है ऊँट की भी, तो हम चाहते हैं कि पूरी चीज़ को कवर करें। ये देखिए ये भाई साहब हैं, ये भी सूडान से ही हैं। और ये दूसरे कई छोटे घोड़े, बड़े घोड़े, मीडियम घोड़े, हर तरह के रहते हैं, सबका अलग अलग है जो सेट हो जाए जिसके। अब मैं ऊँट पे बैठ के चल रहा हूँ, ये देखिए ऊँट से मैं ये शॉट ले रहा हूँ। ये देखिए आगे आगे वो उसकी नकेल पकड़ के और लेके चल रहे हैं। ऊँट तो थोड़ा ईजी होता है क्योंकि वो साथ में चलते हैं, सीधा साधा वो चलते रहता है, लेकिन हॉर्स राइडिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगा। तो ये हम ऊँट पे जा रहे हैं, ये भी खूब ऊंचा होता है। और ये देखिए ऊँट पर से हम जो व्यू ले रहे हैं वो ऐसा हिलते हुए आ रहा है। और ये आगे आगे चल रहे हैं और हम बैठे हुए हैं पकड़ के अच्छे से, और इसी पर से वीडियो भी बना रहे हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है, मुझे लगा कि आपको ये पूरा नज़ारा दिखाना चाहिए, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। और ये देखिए अब ये अब शाम का नज़ारा है, अब धीरे धीरे ठंडा हो चुका है और अच्छा लग रहा है। देखिए ये पूरा व्यू आप देखिए, ये ऊँट के ऊपर बैठ के ऊँट चल रहा है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा दबाव इधर रखे हुए हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, ये एक छोटा सा एक पैसेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। तो इस तरीके का ये एक बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा 10-12 घंटा ये लोग ड्यूटी करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं लोग, मतलब सैल्यूट है इनको कि पूरी धूप के अंदर, समझ लीजिए 4 बजे, अच्छी खासी धूप होती है, अभी अब गर्मी का दिन चल रहा है, तो ये धूप के अंदर पूरा पूरा बैठ के और बस कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। आते हैं लोग और आके अपना बैठते हैं, थोड़ी देर 10-15 मिनट घूमेंगे फिरेंगे, इनको पैसे देंगे और जाएंगे, यही इनकी रोज़ी रोटी है। और ये पूरा मेहनत करते हैं। अभी देखिए ऊँट पर हम बैठे हुए हैं और ये ऊँट चल रहा है ये देखिए ये पूरा व्यू देखिए ऊँट का, ये कैसे चलता है, ये चल रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भले ही रेगिस्तान हो या फिर कुछ भी, अगर जहाँ पर भी यूज़ की जगह है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट रोड बना देती है। अब देखिए ये इतना अच्छा रोड है, पूरा रेगिस्तान है लेकिन यहाँ पर एक रोड बना हुआ है साइड से। हालांकि ये रोड बहुत कम चलता है, मतलब हाईवे नहीं है, आउटर है, लेकिन फिर भी साइड से बना हुआ। तो ये देखिए मैं ऊँट पे बैठा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब करीब करीब राइड पूरी हो गई और अब हम उतर गए हैं। अब आपको एक बार और ये पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए अब शाम हो गई, अब सूरज बस कुछ ही मिनटों में डूब जाएगा, यानी रात हो जाएगी, अभी अंधेरा होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।